हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप सभी। आई होप के सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और न्यू जॉब लेकर आ गया हूँ, और ये वाली जॉब हमारी होने वाली है कैक्टस कंपनी की तरफ से, और ये एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है गाइज। अगर आप भी चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम करना, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं। तो जो भी चैनल पर नया आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है, मैं बात कर रहा हूँ कैक्टस कंपनी एमएनसी कंपनी के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, एमएनसी कंपनी में काम करने के बहुत सारे आपको बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें भी ऐसे कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको इनकी तरफ से लैपटॉप प्रोवाइड कराया जाएगा, और सबसे बढ़िया बात कि इंडिया में कहीं से भी किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस काम को करने के लिए एलिजिबल हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आपने 10th किया, 12th किया है और ग्रेजुएशन किया है, और जो पर्सुइंग है मतलब कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी इस जॉब को करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इंटरनेट की। अगर किसी के यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तो ये इंटरनेट भी प्रोवाइड कराएंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन चार चीज़ों के बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए अब मैं आपको इसको लाइव बताता हूँ, इसको कि फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, कैसे जॉब को ग्रैब करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी बात और बता दूँ, आज मैं आपको इसकी एक जॉब के बारे में नहीं बताने वाला, तीन तीन जॉब के बारे में बताऊंगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको तीन जॉब देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आइए मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर जो है कैक्टस की तरफ से, जो कि 20 साल पुरानी एक कंपनी है, जो अभी जो इसकी ये जो कंपनी है एमएनसी कंपनी है, और इसके जो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो अलग अलग कंट्री में है, एक जिसमें कि हमारा इंडिया भी शामिल है। ठीक है, तो इंडिया में अगर आप कहीं से भी है तो इस जॉब के लिए एलिजिबल है, आप इसको कर सकते हैं। तो यहां पर जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज एन इंटर्न कस्टमर सर्विस चैट की। ठीक है, हियर यू विल अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ ए न्यू एंड एक्साइटिंग चैट फंक्शन विद इन द क्लाइंट सर्विंग टीम। द एडवांटेज ऑफ चैट सपोर्ट आर एंडलेस फॉर बोथ द क्लाइंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। द क्लाइंट गेट अ रियल टाइम रिस्पॉन्स एंड दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द सीएस टीम ऑन अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स डिसीजन पिचिंग अवर सर्विस एंड इवेंचुअली इन्फ्लुएंसिंग द बॉटम लाइन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो है इनका कहना ये है कि इनको एक कस्टमर सर्विस चैट के लिए एक कैंडिडेट चाहिए जो रियल टाइम में चैट कर सके। ठीक है, रियल टाइम में ही इनको रेस्पॉन्स दे सके कस्टमर्स को, जो उनको एडवाइस दे सके, जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है, जो उनका फीडबैक ले सके। तो इस तरीके की इनको एक कस्टमर सपोर्ट चैट की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, प्रोवाइड रियल टाइम सपोर्ट टू कस्टमर वाया मल्टीपल एंड न्यू ए चैट प्लेटफॉर्म द गोल ऑफ कन्वर्टिंग इंक्वायरीज। तो यहाँ पर जो है आपको इंक्वायरीज करनी होगी कस्टमर्स की, उनकी चैट के रिस्पॉन्स देने होंगे रियल टाइम में। ठीक है, तुरंत के तुरंत ही आपको जो है उनको रिप्लाई करना होगा, तो अलग अलग मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, हेल्प बिल्ड अप कस्टमर कॉन्फिडेंस इन एडिटेज। तो यहाँ पर जो है गाइस, इन्होंने ऐसे ही पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप इनको पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको तीन जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको मेन मेन पॉइंट यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको भी एक बार पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो है आपकी ये रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, रोटेशनल वर्क रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपको 9 घंटे काम करने होंगे चैट प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें जो आपकी नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट हो सकती है, और साथ में जो है आपको रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है, फ्रेशर और प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर इन अ कस्टमर सपोर्ट रोल। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस काम को करने के लिए एलिजिबल है, और साथ में यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है जिन्होंने 6 मंथ और 1 ईयर से अबव, यानी 1 ईयर प्लस वर्क किया है किसी और कंपनी में चैट प्रोसेस रोल में, ठीक है, तो वो भी इस काम को करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली है। और इनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कस्टमर के टूवर्ड्स मतलब कि अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखता हो, पॉजिटिव रखता हो, जो उनसे अच्छे से मतलब डिस्कस कर सके, उनको अच्छी एडवाइस दे सके, जो उनसे अच्छा कॉपरेट कर सके। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं। साथ में यहाँ पर जो है आपको फुल वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलने वाली है, रिमोट जॉब मिलने वाली है। लोकेशन आपकी पूरी इंडिया में, से आप कहीं से भी एनीवेयर इन इंडिया, तो आप वहाँ से इस जॉब को करने के लिए एलिजिबल है। और ये जो इंटर्नशिप होगी ना, वो होगी आपकी 6 मंथ की। ठीक है, तो ये पहली हमारी जॉब नंबर 1 हो चुकी है। अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 जॉब के बारे में और बता देता हूँ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। तो यहाँ पर जो है कैक्टस की तरफ से एसोसिएट कस्टमर सर्विस मैनेजर की ये जॉब है। ठीक है, दिस इज 100% रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन वर्क फ्रॉम एनी लोकेशन विद इन इंडिया, वर्क फ्रॉम होम एनी लोकेशन इन इंडिया। तो आप कहीं से भी घर बैठे काम कर सकते हैं, और ये 100% वर्क फ्रॉम होम जॉब है। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसमें आपको जो है इन्होंने बताया दिस रोल इन्वॉल्व वर्किंग इन अ रोटेशनल शिफ्ट। तो यहाँ पर जो है आपको रोटेशनल शिफ्ट मिलेगी, और ये वही कैंडिडेट ज्वाइन करें इस जॉब को, अप्लाई करें जो रोटेशनल शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज यहां पर बताई है। साथ में द अपॉर्चुनिटी एज एन एसोसिएट कस्टमर सर्विस मैनेजर, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सेल्स एंड ग्रेट कस्टमर सर्विस माइंडसेट। तो यहां पर जो है इनको एसोसिएट कस्टमर सर्विस मैनेजर चाहिए, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग पोजीशन को मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको संभाल सके, और साथ में यहां पर जो है कस्टमर के
टूवर्ड्स उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, सेल्स के रोल में। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर ये आपको जो है बताया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट्स मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पर आप इनको भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, प्रोवाइड रियल टाइम सपोर्ट, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली है, रियल टाइम आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इनके साथ चैट वगैरह करनी होगी, कॉलिंग करनी होगी, कॉल का भी आपका इसमें काम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंक्वायरीज वगैरह करनी होगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इन पॉइंट्स को पढ़ लेना। रिक्वायरमेंट्स इन्होंने यहाँ पर मांगी, आप हैव एक्सेलेंट रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, तो यहाँ पर जो है आपको बोलनी हो लिखनी दोनों कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, साथ में यहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी है, आपको इंग्लिश आना जरूरी है, अदर लैंग्वेज आती है तो वेलकम, मतलब कि बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रेशर आर एनकरेज टू अप्लाई, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेशर्स के लिए, आराम से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ में हैव अ सर्विस ओरिएंटेशन एंड कस्टमर फर्स्ट माइंडसेट, यू हेल्पिंग एंड यूजिंग योर कम्युनिकेशन पर्सुएशन एंड पीपल स्किल्स टू अचीव ऑपरेशन एंड टीम रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है आपको इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट जॉब के बारे में, ओके। और ये भी रिमोट जॉब है, कहीं से भी आप इस जॉब को कर सकते हैं। अब मैं जॉब नंबर 3 की तरफ चलता हूँ, जिसमें आपको कैक्टस की तरफ से एसोसिएट प्रोसेस मैनेजर की यहाँ पर जॉब मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी वही है, 100% रिमोट जॉब है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको वीक में सिर्फ 5 days वर्क करना है रोटेशनल शिफ्ट में, उसमें आपकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है, इंक्लूड है, मतलब हो नहीं सकती है, ओके। द अपॉर्चुनिटी एज एन एसोसिएट प्रोसेस मैनेजर, यू विल बी अ पार्ट ऑफ द वर्क फ्लो मैनेजमेंट टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ वर्क कमिंग इन टू द एडिटिंग डिपार्टमेंट, वर्किंग विद योर क्लाइंट सर्विंग टीम टू मीट रिक्वायर कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड बींग द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एडिटर अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका एसोसिएट प्रोसेस मैनेजर की यहाँ पर जो है जॉब के लिए इन्होंने मांग की है, ठीक है। इनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम के थ्रू, और जो है डिपार्टमेंट वगैरह में वो अच्छे से अपने क्लाइंट को मतलब बता सके, सारी चीज़ों को समझा सके, तो इनको एक ऐसा रिक्वायर है, एक ऐसा कैंडिडेट, ओके। तो यहाँ पर जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इन्होंने बताई हुई है, कोलेबोरेटिंग विद द एडिटिंग क्लाइंट सर्विंग एंड कस्टमर केयर टीम टू अंडरस्टैंड एंड डिलीवर अगेंस्ट क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको कोलैबोरेट करना है एडिटिंग के थ्रू, और यहाँ पर जो है आपको क्लाइंट सर्विंग करनी होगी, यहाँ पर कस्टमर की टीम टू अंडरस्टैंड उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है, और जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, साथ में आपको क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग विद द आंसर क्वेरीज फ्रॉम हाउस फ्रीलांस एडिटर अक्रॉस द ग्लोब टाइमली एंड प्रोफाइल मैनेजर। तो यहाँ पर जो है आपको उनकी जो क्वेरीज होगी उनका जवाब देना होगा फ्रीलांस के थ्रू, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, कहीं से भी आप किसी भी टाइम यहाँ पर आप कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है इनके कुछ इस तरीके के पॉइंट है, तो वो भी आप एक बार पढ़ लेना। अब मैं आपको यहाँ पर स्किल्स बता देता हूँ और इनका एक्सपीरियंस जो आपसे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो है इनको 6 months+1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लाइंट सर्विंग रोल के लिए, साथ में यहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, इनको फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश के अंदर, साथ में गुड ईमेल राइटिंग चाहिए स्किल्स चाहिए इनको, गुड ईमेल राइटिंग स्किल्स चाहिए, साथ में अटेंशन टू ग्रामर, एम्पथी एंड इंटरनल प्रोसेसेस, साथ में एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल विद द एबिलिटी टू मल्टीटास्क होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। एनालिटिकल स्किल्स टू आइडेंटिफाई एंड फ्लैगिंग एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी इन वर्ड एंड एक्सेल वुड बी एन एडवांटेज। तो आपको जो है इसमें प्रोफिशिएंसी होना चाहिए वर्ड और एक्सेल चलाने में, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मेंटेन पॉजिटिव फ्रेम वाइल डीलिंग विद हाई प्रेशर सिचुएशन, तो किसी भी हाई प्रेशर सिचुएशन में आप अगर अच्छे से डील करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा यहाँ पर, ठीक है, आपको वो सब चीज़ें मेंटेन करके चलना होगा, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने ये सब चीज़ें बताई है, और आपकी जो वर्किंग शिफ्ट है वो यहाँ पर इन्होंने बताई, यू विल बी एक्सपेक्टेड टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट फॉर द 24/7 प्रोसेस, ओनली कैंडिडेट कंफर्टेबल वर्किंग दिस शिफ्ट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई। तो ये जो कैंडिडेट है वही करें इस फॉर्म को अप्लाई, ठीक है, इस जॉब के लिए अप्लाई, जो कंफर्टेबल हो 24/7 डे एंड नाइट शिफ्ट वो कभी भी रख सकते हैं, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी रिमोट एनीवेयर इन इंडिया, कहीं से भी आप इस जॉब को कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं कि ये अप्लाई कैसे करेंगे। सो गाइज, अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजी अप्लाई यहाँ पर आपको दिख जाएगा देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, तो अगर आपके लिंक्डइन पर पहले से प्रोफाइल है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वरना आपको कुछ इस तरीके का रिज्यूमे वगैरह आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप रिज्यूमे वगैरह अपलोड कर लेना, अपना नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पर डाल देना, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ वे में अगर आप मतलब रिज्यूमे वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सक करके इसको जो है कंटिन्यू कर देना। इनकी तरफ से आपको ईमेल या फिर कॉल आ जाएगा, जहाँ पर आपको ये बता देंगे आपकी जॉब के बारे में, एचआर आपकी तरफ मतलब ईमेल वगैरह करेगा और वो बताएगा भैया आपका इंटरव्यू सेशन वगैरह होगा या नहीं होगा, वो सब आपको एचआर की तरफ से बता दिया जाएगा ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो गाइज, ऐसी मैं आपके लिए नई नई वर्क फ्रॉम होम जॉब लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी चैनल पर नई नई वीडियोज आती रहे जॉब से रिगार्डिंग, और अभी मैं जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए ऐसी जॉब लेकर आते रहूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो यार जरूर से लाइक करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, सो अभी के लिए बाय गाइस, टेक केयर।